और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, यूपी में ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष की यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी यात्रा निकालेगी। बिहार में उधर सीएम नीतीश कुमार वो भी यात्रा निकालेंगे। चंपारण से शुरू होगी नीतीश की ये यात्रा। कन्याकुमारी से यहां तक ये सच्चाई नहीं है, ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो हम बोल ही रहे थे कि हम एक बार जरा घूमेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे, हमने बता दिया है, तो उसी के बारे में आज कल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके लोग फाइनलाइज करते हैं उसका एक एक प्रोग्राम। तो क्या क्या करना है, हर जगह देखने भी जाएंगे, कुछ खास चीज़ भी जहां काम हुआ है उसको भी देखेंगे, कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे, समाज के हर तबके के लोगों से भी बात करेंगे, देखेंगे सब, कई तरह से हमने सुझाव दे दिया, अब उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपनी मानसिकता और विचारधारा से पिछड़ों की विरोधी है और इसके प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि ये बात कोई हवा में कही जा रही है। आप उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को देख लीजिए, जानबूझ के ऐसा सर्वे कराया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध था, जो कि संविधान के नियमों के विरुद्ध था। आपने जानबूझकर ऐसा आरक्षण कराया जिसको कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। देश के संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी को कोई आस्था नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकालेगी और एक एक गांव, एक एक चौहार चौपाल पे, एक एक चौराहे पे इनके पोल खोलने का काम करेगी, ताकि आगे से कभी भी ये दलितों और शोषितों और वंचितों के विरुद्ध संविधान की धज्जियां ना उड़ा सकें। नीतीश कुमार जी यदि यात्रा करते हैं, बिहार की यात्रा जो उनकी आदत रही है, यात्रा करते हैं तो हम लोग भी उनके यात्रा के पीछे चलेंगे और उनके चीज़ों को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे, उनका पोल भी खोलेंगे। तो उन्होंने विकास नहीं किया, हमारे नौजवान आज भी बेरोजगार हैं, और इसलिए हम लोग पोल खोल में जाएंगे कि विकास के किरण यदि गांव में नहीं पहुंचा तो 17 वर्ष से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।